दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। आज दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। सर्द हवाओं के बीच तापमान घटकर 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। लोधी रोड रहा सबसे ठंडा इलाका और यहां न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। मंगलवार को दिल्ली का तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस था। ठंड का असर दिल्ली आने वाली ट्रेनों और कई उड़ानों पर भी नजर आया। रेलवे के अनुसार खराब मौसम की वजह से उत्तर की ओर जाने वाली 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 26 ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही है। 7 ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। वहीं कोहरे का असर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों के परिचालन पर भी देखने को मिला। 1 अंतर्राष्ट्रीय और 5 घरेलू उड़ानें प्रभावित हुई है। वहीं फिर से बर्फबारी होने से हिमाचल प्रदेश के शिमला में ठिठुरन बढ़ गई है। यहां बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिससे कई पर्यटक फंस गए हैं। वहीं प्रशासन ने कई जगहों पर पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों में पारा और गिर सकता है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएगी। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है और आने वाले 2-3 दिन भी लोगों के लिए राहत भरे साबित नहीं होंगे। देखते रहिए TV Live।